श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव इस बार बहुत खास होने वाला है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, जिसकी झलक अयोध्या में मनाया जाने वाले दीपोत्सव में देखने को मिलेगी। पर्यटन विभाग की ओर से दीपोत्सव पर सात झांकियां निकाली जाएगी, जिसको बनाने का काम लगभग 30 से ज्यादा मुस्लिम कारीगरों द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। निर्माण होने के बाद 27 अक्टूबर को झांकियों को रिहर्सल के लिए नगर के भ्रमण पर निकाला जाएगा। दीपोत्सव हर वर्ष एक नया इतिहास बनाता है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार रामचरितमानस के सात कांडों पर झांकियां निकाली जाएगी। पिछले जो भी दीपोत्सव हुए हैं, सबसे बेहतर इस बार का दीपोत्सव होगा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, जो हम अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, इस बार भी पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। और शोभा यात्रा सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर 12-1 के बीच में यहाँ लता मंगेशकर चौक पर आ जाएगी, और यहाँ के इसके बाद जो है पुष्पक विमान से भगवान राम का अवतरण होगा, राज्याभिषेक होगा, उसके बाद जो है सर्व महाआरती, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाना है। कितने दीपों से लगती है? 1100 जो है कुछ संत महात्मा रहेंगे, कुछ प्रतिष्ठित लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो 1100 का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिनिमम बनाने का लक्ष्य है। इसके बाद जो है दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम होगा, फिर 8:30 बजे का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा का मंचन होगा, और प्रदेशों की रामकथा जो रामलीला होती है उसका भी आयोजन होगा। तो ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर रात 10-11 बजे तक चलता रहता है, वो पूरा दिन का कार्यक्रम होगा। सर, शोभा यात्रा में कौन कौन सी झांकी आ रही है, कौन सी बन रही है? शोभा यात्रा में जो हमारी पर्यटन विभाग की जो 7 झांकियां हैं, वो रामचरितमानस के हर कांड पर आधारित है, तो वो 7 झांकी जो है रामचरितमानस के प्रसंगों पर है, और उनका निर्माण शुरू हो गया है। और क्या खास रहेगा इस बार दीपोत्सव के लिए? ड्रोन से भी ड्रोन के संबंध में जो है अभी विचार किया जा रहा है कि उसके कहां पर उसको संकलित करके कहां से कार्यक्रम किया जा सकता है, तो वो अभी जब तक स्थान चिन्हित न हो जाए तब तक करना होगा। कितने ड्रोन का प्लान बना हुआ है? मिनिमम अगर होगा तो 500 का होगा, और उसके लिए स्थान चिन्हित होने के बाद ही ये कन्फर्म होगा। ड्रोन से कैसी लाइटिंग होगी, क्या होगा? ड्रोन से आकृतियाँ बनती हैं, रामराव के विभिन्न प्रसंगों पर ड्रोन की में उसमें लाइट होती है, आसमान में जाके विभिन्न तरह की वहाँ पर जो है आकृतियाँ बनेगी, स्वरूप बनेंगे भगवान के, तो वो जो है सरयू नदी के ऊपर ही संभव होगा, लेकिन एक प्लेटफार्म निश्चित न होने के कारण अभी ये कार्यक्रम जो है विचाराधीन है। तो उम्मीद यही है कि हर साल की भांति इस साल भी अयोध्या का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, और हर साल की भांति इस साल भी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम करेगा।